डॉक्टर सोहल होर जी आया क्या सीगा और साढ़े नाल पंजाब साहित्य अकादमी के भंडारी आदमी ट्रस्ट है उन्होंने ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक नादिर जी उन्होंने असी बेनती की इस सारे इस सैशन कंकलूड करे और आए दोस्तों का थैंक्स जी नादिर साहब इतने इतने बड़े साहित्यकार रवि साहब आश जी बबूटा जी और उनसे सबसे ऊपर आगे मैं क्या कहूँ कौन कौन हैं जो सामने बैठे हैं इन्हों के सामने मैं बोलने का मौका दिता पहली गल तो यह है कि आ लो इस तो घट मेरे को कुछ नहीं है इस बात कुछ नहीं है आई एम फीलिंग आई डोंट नो आई वट आई एम फीलिंग ऐसे है भाईजान भरा जी ने जो कुछ लफ्ज बोले अपने वो कुछ नहीं पढ़िया जो कुछ वो बोल गए ये सच्चाई है वीर जी ये सच्चाई है मैं वो नहीं पढ़िया मैं गीता पढ़ी है शायद 100 बारी पढ़ी है उन उस तो मैं इन्ना मुतमईन होया कि मैं होर कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़िया बचपन च रामायण पढ़ाई गई साढ़े माँ बाप ने साढ़े चाची जी माता जी सानू रामायण पढ़ाते सीगे उस तो बाद जो है गीता पढ़ी बस और थोड़े को जो जो अल्फाज सुने जो जो लफ्ज सुने असी उन्होंने जड़ तक आत्मा तक दुनी तक ये फील कराया कि किन्नी सफाई और किन्नी प्यार तुसी वो टॉपिक नू पकड़िया हैगा किन्नी जड़ तक तुसी जिहड़ा है उसनु अंडरस्टैंड किया तां सो तुसी ये लफ्ज बोल पाए मैं कोई क्रिटिक नहीं है मैं कोई ये नहीं कि हाँ मैं किसी टॉपिक ते कभी बोलिया होवे ऐसा कि हाँ मैं क्रिटिसाइज किया होवे या फेवर बोलिया होवे मगर जो कुछ तुसी बोलिया मजा आया लुत्फ आया लुत्फ आया अरसा बारे मैं बोलना मैं तो उन्होंने बच्चों बराबर है मैं जो कुछ भी लिखना सीखे उन्होंने को सीखा एक एक लफज मैं ऋणी है मैं एक एक लफज जो मैं जानना है उन्होंने को मैं सीखा है ये वो शख्स हैं मैडम आपको बताऊँ तुम हसोंगे मेरी गल पर मेरे को 167 नज़मां अज भी पईयां वो 167 नज़मां मेरे को लिखिया पईयां जिदन मैं भरा जी को गया कुछ सीखने वास्ते वो किताब छपाने वास्ते करेक्शन वगैरह टाइप हो चुकी हैं सब कुछ तैयार पई सी मैं सिर्फ प्रिंटर नूं देनी सी कि ये कर दे भरा जी नाल मुलाकात हुई ये कहिंदे बई इस तरह बगैर बहर ते मैं तो लिखन देनी मैं कहा अच्छा जी ठीक है नहीं लिखन देनी इन्हां को सीखना शुरू किया वो हले भी पई हैं वो मैं प्रिंट नहीं करा सकता मेरी अंदरूनी मेरे आत्मा ने कहा कि नहीं कि तू बेवकूफ़ी की इंतहा है जो तू इन प्रिंट कराएगा और ये जब एक टॉपिक आया बिच कि हाँ भी कद तुसी फील कर रहे हैं कि हाँ तुसी जिहड़ा है हुण कंप्लीट हो गए मेरा नहीं ख्याल ये राइटर तो अलग गल है राइटर कुछ होर ही चीज़ मिट्टी का बनया हुंदा है किसी भी विधा दे विच चाहे वह मकैनिक है चाहे वह मैनुफैक्चरर है चाहे वह मशीन पर खड़ा है चाहे वह किस कोई भी काम कर रहा है मेरा नहीं ख्याल इंसान कभी फील कर सकता कि मैं अल्टीमेट कर लिया ये क्वेश्चन असी पिछली बारी भी ये टॉपिक आया सीगा जब पिछे आप बैठे सी इत्थे यही पॉइंट रेज किया गया सीगा ठीक है ये मैं नहीं उस पर बोलिया मैं उन्होंने दसता भाई भी इट्स नॉट इम्पॉसिबल राइट इट्स इम्पॉसिबल That's the only word I could use, but I now I can explain it. It is not possible at all. एक इंसान अपने आप में सोच ले कि मैं अखीर तक पहुँच गया हूँ इसके ऊपर कुछ नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि इंसान वो चीज़ कर सकेगा राइट तो अरसा साहब ने जो क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं बहुत आत्मा तो फील होया कि यार हाउ इज इट पॉसिबल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंसान तो भाई तो उस मुकाम से पहुँच गया ठीक है तो ये तो अपने आप ही आदमी की जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आत्मा ने जवाब दिता होगा है फिर भी पूछा गया है राइट फाइन अपनी अपनी सोच है इंसान कभी भी टॉप पे नहीं जा सकता
जिस दिन टॉप पर गया एक कहावत है हर एक चीज़ से लागू है रतन टाटा जी के लफ्ज हैं जेडे कि हर एक चीज़ से लागू हैं वो वैन ए मैन इज़ नॉट गोइंग डाउन अप ही इज़ गोइंग डाउन ये रतन टाटा का देखो रतन टाटा के लफ्ज हैं ये कि जब आदमी उपर नहीं जा रहा इस तरह नीचे जा रहा है वो जिस दिन उन्हें सोच लिया कि मैं हूँ जो टॉप पर पहुँच गया उस दिन उन्हें नीचे में जाना शुरू कर लिया वो उपर नहीं जा सकता ना उत्थे नहीं टिक सकता वो उन्हें नीचे जाने जाना है उन्हें कोई नहीं रोक सकता ठीक है जी तो बहुत अच्छा लग्या लाजवाब दीप्ति जी ने जो कुछ बयान किया बहुत प्यार नाल बोलते रहे और इन्नी स्पीड नाल बोलना मैं तो पहला कह के हटे कि उही भरा बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता इन्नी कलैरिटी होनी ताही बोल सकता जी इन्नी फास्ट मैम जब तक इन्नी कलैरिटी नहीं है इट्स इम्पोसीबल टू स्पीक सो फास्ट असी तो हम क्योंकि एक एक सुनते रहे हैं तो जरा मैं बोल पा रहे हैं अदरवाइज तो जरा ये बोलना इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दिस अप टू द टाइम इट्स नॉट क्लीयर इन योर कोर ऑफ योर हार्ट यू नॉट क्लीयर ऑन दैट किसी टॉपिक से तुम इन्ने क्लीयर ता ही बोल पाओगे क्योंकि हनवीर साहब ने जो बोलिया वो आत्मा तक टच कर गया वेरी क्लीयरली स्पीकिंग वो पूरी आत्मा तक टच किया उन्होंने पहली बारी मैं उन्होंने जुबान तो यह सारा कुछ सुने भरा जी जो थोड़े बारे भी उन्होंने बोलिया लाजवाब इन्ना प्यार इन्नी थोड़े नाल जिहड़ा है आत्मा तक की सांझ हैगी आत्मा तक की सांझ हैगी मानना पेगा पार एक्सलेंट पार एक्सलेंट बहुत चंगा लगे जी बहुत आत्मा तो मन तो जिहड़ा है सारे भरावान ने इन्होंने जिहड़ा है एक्सप्लेन किया और सब तो उपर काली साहब ने जिमें हैंडल किया और सोहल जी ने जिमें हैंडल मैनेज किया इट वॉज पार एक्सलेंस बहुत अच्छा लग्या मैम बहुत अच्छा लग्या बहुत अच्छा लग्या थैंक यू।